देखिए मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ ये रास्ता जो है इरपिन की तरफ जाता है और ये कीव शहर के साथ जोड़ता है। एक सवाल सबके दिमाग में है कि पिछले इतने दिन हो चुके हैं रशिया की ट्रूप कीव जो है कैपिटल सिटी यूक्रेन की दाखिल क्यों नहीं हो पा रही है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों दाखिल नहीं हो पा रही है। जहाँ भी आप देखेंगे देखिए किस तरीके से टैंक्स ने पूरी तरह से रोड को ब्लॉक किया हुआ है, रोड्स ब्लॉक करने की वजह से ताकि अगर कोई भी रशियन मूवमेंट हो अंदर ना आ सके। उसके अलावा आप देखेंगे कई ट्रक्स जो हैं उन्होंने लगाए हुए हैं जगह जगह पे बैरिकेड क्रिएट किए हैं ताकि रशियन टैंक्स की मूवमेंट या रशियन गाड़ी की मूवमेंट इस तरफ ना हो पाए। ये खाली इसी जगह नहीं है, जिस जगह पे भी आप नजर दौड़ाएंगे कुछ इस किस्म का ही मंजर आप पाएंगे। उसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि सिविलियंस को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप ये जो मोल्टोवा बॉम्ब है जिसे पेट्रोल बॉम्ब भी कहा जाता है, देखिए इसमें पेट्रोल डाला जाता है, कुछ केमिकल डाले जाते हैं और ये पेट्रोल बॉम्ब आप फेंक दीजिए। जैसे ही कोई रशियन गाड़ी या रशियन टैंक आप देखेंगे उस पे ये गाड़ी पे ये मोल्टोवा बॉम्ब चलाइए जिसकी वजह से वो आग लग जाएगी और रशियन सोल्जर बाहर आएगा और उस पे अटैक करिए। तो यही एक वॉल ऑफ आप देखिए वॉल ऑफ रेजिस्टेंस है ये जो क्रिएट की। आप देखिए ये पूरी तरह से ये बॉटल रखी हुई है, ये केमिकल रखा हुआ है और देखिए और आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से और भी बैरिकेडिंग की गई है। पूरी तरह से लोहे के वो जंगले जैसे लगाए गए हैं और रोड पूरी तरह से बंद कर दी गई है, मतलब कि कोई भी जो सड़क है इतनी तरह से ब्लॉक करो कि वो कीव के इलाके की तरफ ना जा पाए। आपको मैं पूरी तरह दिखा सकता हूं, यहां से आप पूरा मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ताकि कीव में कोई भी रशियन मूवमेंट ना हो पाए, कोई भी टैंक दाखिल ना कर पाए। पड़े ये खाली कारतूस जो है यहाँ की यूक्रेन की तस्वीर बयां करते हैं कि यहाँ सिर्फ मौत का मंजर है, हर तरफ लड़ाई है, या तो कोई मारा जा रहा है या कोई लड़ रहा है अपने देश की हिफाजत करने के लिए और या कोई बिल्डिंग तबाह कर रहा है। और आप देखिए कितने कारतूस यहाँ पड़े हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे जंग हुई थी रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन के बीच में क्योंकि रशियन स्पेशल फोर्सेस दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे बुका डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करके यूक्रेनियन ने उन्हें वापस खदेड़ दिया है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उनकी पूरी कोशिश है। और ये देखिए ये जो खाली कारतूस हैं इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पे सूरत हाल इस समय कैसा है। ये एक वजह है कि कई लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं और कई लोग इस समय बीमार पड़े हुए हैं और उन्हें इवैक्यूएशन करने के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। देखिए ये सड़क जो थी बहुत ही साफ़ सुथरी सड़क थी, ये सड़क जो है कीव के इलाके की ओर जाती थी, लेकिन आज इस सड़क की हालत देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है। और देखिए मैं आपको इसके साथ साथ दिखा देता हूँ ये बिल्डिंग की तस्वीर, जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये जब इन फाइटिंग शुरू हुई शेलिंग शुरू होती है कि किस तरीके से यूक्रेन की फौज ने उन्हें खदेड़ा है। ये जो बहादुर जवान हैं इनका इनके पास इस समय दो काम करने को है, एक तो ये रशियन फोर्सेज को खदेड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी पूरी कोशिश है कि अपने लोगों की किस तरीके से मदद की जाए क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय परेशानी के आलम है, किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी के पास दवाई नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये उनको किसी तरीके से मदद करें। तो मतलब इसकी सराहना करनी पड़ेगी, सल्यूट करना पड़ेगा इनके जज्बे को, इनके जुनून को कि अपने लोगों के लिए मदद करें। उन्हें मालूम है कि जिस जगह पर ये समय खड़े हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस इलाका माना जाता है, यहाँ कभी भी किसी भी टाइम पे शेलिंग या फायरिंग हो सकती है। उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से अपने लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पे ये खड़े हैं। जंग कभी भी खुशखबरी नहीं लाती और यहाँ पे यूक्रेन में भी आप देखिए कि क्या हालत हुई है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कुछ दिन पहले तक ये पुल होता था जो एक इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्ट करता था, यहाँ से आमोदरफ्त हुआ करता था, गाड़ियाँ चला करती थी, लेकिन अब आप इस पुल की हालत देख सकते हैं, ये शेलिंग की वजह से पूरी तरह से पुल टूट चुका है, तहस नहस हो चुका है, पूरी तरह से गिर चुका है। उसके अलावा आपको मैं ये भी दिखाता हूँ जब ये शेलिंग हो रही थी तो ये गाड़ी उस समय क्रॉस कर रही थी, इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं पूरी तरह से उलट गई है और ये पोल जो है पोल भी पूरी तरह से टूट गया है। आज आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है, लकड़ियों के फट्टे रखे हुए हैं, इन फट्टों पर से चलते हुए लोगों को आना पड़ रहा है। खासकर मुश्किल तब होती है जब किसी बीमार को स्ट्रेचर पे उठा के लाना पड़े क्योंकि एक तरफ पानी का बहाव इतना तेज है और दूसरी तरफ उनको उठा के लाना एक बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य बन जाता है। और ये जंग की वजह से आप देखेंगे तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये सड़क थी, प्रॉपर सड़क थी, इसकी हालत आप देखिए इस समय सड़क की हालत क्या है। आप देखिए सड़क और पुल
की हालत आपको बयां करती है, इस समय यूक्रेन की स्थिति क्या है? यही एक वजह है कि यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया है और वो चाहते हैं कि रशिया के अगेंस्ट वॉर क्राइम के तहत केस किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि रशिया लगातार सिविलियंस को निशाना बना रही है। फौजी दस्तों के बजाय वो सिविलियंस को टारगेट कर रही है, उनके घरों को टारगेट कर रही है, उनके अपार्टमेंट्स को टारगेट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है। और आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल भरी स्थिति है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ तेज पानी का बहाव और किस तरीके से लोगों को आने में मुश्किलात यहाँ पे हो रही है, और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यही एक वजह है कि यहाँ पे फौज चाहती है कि जल्दी से जल्दी लोग यहाँ से निकलकर अपने महफूज ठिकानों की तरफ जाएं। प्रदीप दत्ता, चाइल्ड नाउ नभा। अभी आपको जो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ वो रशिया के झूठ का पर्दाफाश करती है, क्योंकि अक्सर रशिया का ये कहना है कि वो सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। जहां मैं इस समय खड़ा हूं, 5 दिन पहले तक ये एक शॉपिंग मॉल था। आप देखिए किस तरीके से रशियन आर्टिलरी ने इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, इसकी छत नीचे आ गई है और पूरी तरह से आप देखिए मलबा पड़ा हुआ है। जितनी भी चीजें थी शॉपिंग मॉल की वो इस मलबे के नीचे पड़ी हुई हैं। बट एक चीज अच्छी है कि उस समय यहाँ पे कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कई बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी जिनको पूरी तरह से रशिया ने तबाह कर दिया है और हर तरफ आपको देखने को मौत का मंजर मिलेगा, तबाही का मंजर मिलेगा। और ऐसी कई बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी जहां शेलिंग की वजह से पूरी तबाही तबाही नजर आ रही है। कुछ देर पहले तक ये शहर हंसता बसता था, लेकिन अब देखिए यहां पे आपको कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए बहुत मुश्किल हो रही है इस मलबे में चलना भी, और यही एक वजह है कि जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, वो चाहते हैं कि नेटो मुल्क उन्हें फाइटर जेट्स दें, नेटो मुल्क उनकी पूरी मदद करें ताकि वो रशिया की फौज का पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। आप देखिए फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए बिल्डिंग का हाल। इससे आपको पता चलेगा कि जो तबाही हो रही है जंग में, सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन देखने को आपको मिलती है। या तो आपको मौत का मंजर मिलता है, या आपको कहीं आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं, या कहीं पूरा मकान गिरा हुआ नजर आता है, और या कहीं धुआं उठता हुआ नजर आता है। ये इस समय सूरत हाल है यूक्रेन का। यूक्रेन में एक चर्च के अंदर हूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि रशियन की शेलिंग की वजह से किस किस्म की तबाही हुई है। ये आप देख सकते हैं दीवार पूरी तरह से शेल्स की वजह से छलनी हो चुकी है। आप ये दीवार, ये गलत ना कहना होगा, क्योंकि जितने भी शैपनल हैं शेल के वो इस दीवार पे लगे हैं और जिसकी वजह से पूरी तरह से दीवार छलनी हो चुकी है। शीशे यहाँ पे देखिए, कांच पूरी तरह से टूट चुका है और अंदर भी बिल्कुल खाली वैसा ही अजीब सा मंजर देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि साथ की जो ये बिल्डिंग है यहाँ पे भी आग लगी, जो पेड़ थे उसे भी आग लग गया, और ये बहुत मतलब 20 मीटर की दूरी पर आपको ऐसी कई बिल्डिंग्स मिलेंगी जहाँ पे आग लगी होगी, या तो वो पूरी तरह से शेलिंग की वजह से तहस नहस हो गया। यही एक वजह है कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि रशिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहते थे कि जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं वो सब रशिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, लेकिन देखा गया कि ये वेस्टर्न मुल्क सिर्फ लिप सर्विस करते रहे, यूक्रेनियन को अकेले ही यह जंग लड़नी पड़ी। पिछले कई दिनों से लड़ रहे हैं, दीवार की तरह खड़े हैं, सीना ताने हुए कि पूरी तरीके से किस तरीके से विशाल रशियन आर्मी को रोका जाए। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां फिर से तबाही का मंजर दिखाऊंगा। ये देखिए जंग की वजह से क्या होता है, जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, जंग कभी भी कोई सुखद समाचार नहीं लाती है, जंग हमेशा तबाही लाती है। और मेरे ख्याल से ये तस्वीरें तबाही की तस्वीरें हैं जो हम आपको यूक्रेन के डिफरेंट इलाकों से दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से जल चुकी है, ये पूरा मलबा आपको घिरा हुआ नीचे नजर आएगा। कुछ दिन पहले तक ये पूरी बिल्डिंग थी, लेकिन अब सिर्फ आपको इसकी साइड की आपको जो फाउंडेशन स्टोन है वो सिर्फ नजर आएगा, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन आपको नजर आएगा, बाकी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मलबा। कोई कह भी नहीं सकता कि कभी यहाँ पे कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, अब सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। और यहाँ पे जो रह रहे थे वो इस समय भाग चुके हैं, बड़ी मुश्किल हालात में थे, कई दिन तक फंसे रहे शेलिंग और फायरिंग की वजह से। और यहाँ पे हम भी जब यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आए तो हमें भी
यूक्रेनियन ट्रूप्स ने कहा कि ज्यादा समय आप खड़े ना लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त रशिया की तरफ से फायरिंग और शेलिंग शुरू हो सकती है, और इस वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पे आप जल्दी जल्दी शूट करके यहाँ से आप इलाके से निकल जाइए। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चर्च कितना खूबसूरत बिल्डिंग, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इस समय पूरी तरह से बंद है ये चर्च, और यहाँ पे आप देखिए ना कोई प्रेयर्स हो रही हैं, लेकिन आपको इनकी दीवारें जो हैं पूरे यूक्रेन के इस समय हालात बयान करेंगे। रूस के सैनिकों को इस वक्त यूक्रेन में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रदीप दत्ता यूक्रेन के ब्यूका पहुंचे। यहां यूक्रेनी सैनिक अपने देश की हिफाजत के लिए बड़ी ही मुस्तैदी से डटे हुए हैं। मैं इस समय बूका डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और आप देख सकते हैं ये जो बहादुर जवान है, एक तरफ जहां दीवार की तरह रशियन फौज की गोलियों के सामने खड़े रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी पूरी कोशिश है अपने लोगों की पूरी तरह से मदद करें। आप देखिए ये एम्बुलेंस जो है ये एक रे ऑफ होप की तरह यहाँ है, क्योंकि कई बीमार लोग थे, पिछले कई दिनों से फंसे हुए थे, लगातार बम्बारमेंट हो रही थी, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उसके साथ साथ बूढ़े बच्चों को भी निकाला जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से फौज उनको यहाँ से निकाल के ले जा रही है, ताकि उनको एक सेफर इलाके में लिया जा सके, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक बन गया है, इसकी वजह से एक राहत कुछ मिली है। और आप देखिए ये जो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एम्बुलेंस है, यहाँ एम्बुलेंस में प्रॉपर सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक तरफ पूरी बंदूक भी रखी हुई है, यानी कि अगर कोई किसी किस्म की मुश्किल हो तो उस मुश्किल से भी निपटा जा सके। एक तरफ पूरी तरह से बंदूक है और दूसरी तरफ पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि किसी भी तरीके से पेशेंट को आराम से शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे मतलब कि स्ट्रेचर को रख के पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। आप देखिए कितनी मुश्किल हो रही है, कई लोग कब से फंसे हुए थे, अपने पालतू जानवरों के साथ कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए बीमार औरत पिछले कई दिनों से बंकर के अंदर थी, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, ये बीमार शख्स को देखिए किस तरीके से ले जा रहे हैं, ये जो है पूरी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें इस एम्बुलेंस में लिया जाएगा, ये एम्बुलेंस भी है और ये इनके लड़ने के लिए गाड़ी भी है, क्योंकि आगे देखेंगे आप पूरी तरह से हथियार से लैस ये लोग यहाँ पे रहेंगे, पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और देखिए आप कहाँ से स्ट्रेचर लेके आए हैं, कितने दूर से चल के आ रहे हैं, तो ये जंग में ऐसी चीजें हो रही है, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप यूक्रेन की स्थिति बताएंगे, ये एक बहुत ही पीसफुल इलाका था, किसी ने कभी सोचा भी ना होगा कुछ महीने पहले कि कभी ऐसा भी यहाँ पे होगा, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मौका है, हो सकता है कि दोबारा से फिर से शेलिंग या फायरिंग शुरू हो जाए। यही एक वजह है कि आप देखिए ये जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा लोग इस गाड़ी में आ सकते हैं वो इस गाड़ी में छुप के यहाँ से जल्दी निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ नवभारत।